लोग अलग क्यों रहते हैं? आपको आपकी फैमिली ने अलग कर दिया है। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। सबसे बेसी धन्यवाद हुआ बेटा, कमा के गाड़ी कर दिया। सभी लोग चले गए हमारा घर खाली करके। गुड मॉर्निंग। तो क्रियान सो करके उठ चुका है और अब जा रहा है ये नीचे। जय करो, पहले जय करो, जय करो। मम्मा को गुड मॉर्निंग किया। हाँ, हो गया। आप पूछ दो। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा कल? एंजॉय किया आपने? कल सबसे ज्यादा क्रियान से एंजॉय किया। तो आज क्रियांश रोने वाला है क्योंकि इसकी चाचा चाची दादा दादी सब चले जाएंगे घूमी घूमी करने के लिए। और क्रियांश, ये लो बेटा लो। और क्रियांश जो है ना, देखो दादी भी आ गए उधर। देखो क्रियांश जो है ना, कुकी लाल। क्रियांश अपना टॉय ले लिया, अब जाएगा नीचे। क्रियांश टॉय ले लिया अपने अपना। A few moments later. हम लोग जा रहे हैं, कल दीपावली अपने घर में मनाए। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा। आज छोटा बेटा का ससुराल से सबको बुलावा है, लेकिन एक आदमी को घर में रहना आवश्यक है, इसलिए जिया तुम नहीं जाएगा। हम जा रहे हैं, तबीयत खराब, इसलिए बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाना जरूरी है। भगवान करे यात्रा मंगलमय हो। और आप लोग भी दुआ कीजिए हम लोग वहाँ पहुँच के फिर सब कुशल अपने घर वापस आ जाए। ईश्वर की दया रही, सब कुछ ठीक ही रहेगा और आप लोग भी अच्छे रहिए। बहुत अच्छा लगा, दोनों बहू एक साथ मिलजुल के काम की। सब लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए मेरा परिवार इसी तरह चलता रहे और आपका भी चले। तो आज दिन से तब छठ व्रत शुरू होगा, तो इसलिए गंगा स्नान जब जाएंगे, देखो वो कहाँ की यात्रा होती है। और वैसे तो हर पल ईश्वर के दया पर ही निर्भर करता है, कहाँ क्या होगा और कब होगा, कैसे होगा। तो जब तक वो चाहेंगे, जहाँ वो भेजेंगे हम लोग चले जाएंगे। तो आज ऋतु माई के जाने वाली है, तो यहाँ पे खर्चा दिया गया है। खोचा क्यों देते हैं माँ? इससे कि हमारा ससुराल और माई का पक्ष दोनों भर संपन्न, मतलब बंद। हाँ, तो भगवान जिसको बाल बच्चा परिवार देंगे तो खोचा है, वही बात का उम्मीद के साथ लोग खोचा दिया जाता है। हाँ, कि भगवान सब दिन इसका खोचा भरा है। हाँ, भगवान चाहते हैं तो रहता ही है। हाँ, भगवान तो कभी अनैतिक नहीं करते हैं किसी के साथ भी। कर्म आपका सुंदर रहेगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा तो हमेशा आगे बढ़िएगा। अब भगवान करेंगे तो ऐसा सद्बुद्धि सबको दो, जिसको नहीं है वो भी सीखिए। 20 मिनट्स लेटर। बड़ा फोन हम नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं रहेंगे, मेरा पोता रोएगा, इसलिए बड़का फोन देखते रहेगा। हमारा पोता के चलते सब परिवार शामिल है। मेरा बड़ा बेटा बुआ लेके छिपा हुआ है, चांदनी भी मेरे परिवार का एक अंश है, वो भी खड़ी है। गोविंद भी समय पर आ गए और सब बढ़िया है। भगवान करे, तुम भी ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोग सब कुशल पहुँच जाए, फिर अपने घर वापस आ जाए, यही कामना है। और हम संसार के जन समाज रिश्तेदार अपना पराया सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबका नैहर सासुर बराबर रहे, हर लड़की हंस के अपना मायके जाए और हंस के अपना ससुराल आए। भगवान जो दिए हैं हाथ उठा के आप अपना संसार, वही अमानत रहे, भर पेट खाए, सम्मान से जिए, उम्र भर भोग के जाए, अपने लिए नहीं सबके लिए मांगते। इतना दीजिए भगवान कि हमको जरूरत के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़े, अमीर बनने की निर्जा को कोई लालसा नहीं। सभी लोग चले गए हमारा घर खाली करके। कितने अच्छे से हम लोगों ने सजाया था, गेट खुलने के चक्कर में टूट गया। ये है हमारी चांदनी दीदी जो हमारे घर में हमारे हर एक काम में हेल्प करती है दीदी। चलिए सब कोई खाली करके चला गया। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि मतलब तुरंत कोई जाते हैं ना तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि बेटी अगर घर से गई जब तक तो घर पहुँच ना जाए झाड़ू नहीं लगता है, लेकिन कोई कोई है कि बहुत दूर जा रहे हैं, 2-3 दिन लग रहा है, तो उसके कुछ देर के बाद झाड़ू लगाया जाता है। तो यहाँ दीदी बोली कि थोड़ा देर के बाद लगाएंगे, तो दीदी थोड़ा देर आराम करेगी। बाकी क्रियांश को अंदर छुपाया गया है कि वो देख ना ले कि कोई चला गया है। चलो घूमी घूमी करते आधा।
The next day. तो हमारा पूजा पाठ हो गया, खाना पीना सारा कुछ बना लिया, बस खाना खाई नहीं, अभी 2 बज रहा है। घर में जब माँ रहती है ना तो बहुत सारा हेल्प हो जाता है, और क्रियांश जो अभी थोड़ा सा शैतान हो गया है तो उसको मैनेज करके फिर सारा घर का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई ना, हो गया, अभी 2 बज रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल के व्लॉग में, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगी। कुछ लोगों का कमेंट है कि जिया दीदी आप दिखावा कर रही हैं, अच्छी फैमिली होने का, सब कुछ अच्छा है हमारी और देवरानी के बीच में। और बहुत लोगों का कमेंट था, अच्छा भी कमेंट था, कि जिया दीदी का जब भी व्लॉग आता है ना तो हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है, कुछ भी निगेटिविटी नहीं दिखाती है। तो हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छा दिखाऊँ आप लोगों को, और इसी उम्मीद से वीडियो डालती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि आप लोग अलग क्यों रहते हैं, आप यहाँ रहती हैं, वो वहाँ रहती हैं, तो वो कुछ करती है या फिर ऐसे ही रहती है, आप लोग अलग हो गए हो इस वजह से, तो आपको आपकी फैमिली ने अलग कर दिया है। तो मैं आपको हर एक चीज़ का जवाब देती हूँ। सबसे पहले ये था कि दिखावा करती है, नहीं, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती हूँ, जो है मैं वही दिखाती हूँ। और हाँ, कोशिश करती हूँ कि हमेशा अच्छा दिखाऊँ। हमारी फैमिली में देखिए कुछ भी ऐसा नहीं, हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है और बहुत हैप्पी फैमिली है, तो नज़र ना लगे, बहुत अच्छी फैमिली है। मैं ऐसी फैमिली चाहती थी हमेशा से, और ऐसी ही हमारी फैमिली भगवान की दया से मुझे मिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। ये नहीं कि आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ ना कि ऐसा हो रहा है कि सिर्फ निगेटिविटी दिखा करके व्यूज़ लेना, अगर मैं चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार जो है ना, हमारी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले झगड़ा करना, फिर झगड़ा करके वीडियोज़ डालना, फिर साथ आकर के वीडियोज़ डालना, यही सब आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों से चाहती हूँ, भले व्यूज़ कमाएँ, पैसे कमाएँ, लेकिन मुझे मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कोई दिखावा नहीं है, हम लोग सब साथ में रहते हैं। वो अभी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, होता है ना कि फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली में हर एक चीज़ को, छोटी मोटी फंक्शन, हमेशा कुछ ना कुछ फैमिली के साथ रह के उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो माँ ने उनको वहाँ भेज दिया ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर आप माँ, हो सकता है कि अपने बेटे को भेज देती बहू को, लेकिन नहीं, दोनों को भेजा है कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जो होगा हम देखेंगे। बहुत अच्छी और भगवान की दया से बहुत अच्छी और समझदार और समझने वाली फैमिली मिली है मुझे। और ये भी कुछ कुछ कमेंट आ रहा था कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आता, तो मैं बता दूं कि अभी क्रियांश की वजह से ना मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा। इंस्टाग्राम पे मैं अभी थोड़ी सी एक्टिव हूँ, कोशिश करूँगी कि रेगुलर मैं व्लॉग लेकर के आऊँ। रेगुलर नहीं हो पाता है तो वन डे वन, ऐसे एक दिन के गैप में मैं व्लॉग लेकर के आऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ अपनी फैमिली। अभी छठ पूजा वगैरह आने वाला है तो वो सब तो आपको मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर दिखाऊँ छठ पूजा हमारे यहाँ कैसे होता है। और इस बार अच्छी बात ये है कि हमारी फैमिली मेरे साथ रहेगी, सारी फैमिली। अब पहले मैं अकेली भर जाती थी, माँ का व्रत ही रहता था, सारा कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता था ऊपर से क्रियांश। तो इस बार अच्छा है कि रितु है, मोनू है, सभी लोग हैं, तो अच्छा लगेगा। और इस बार कुछ अच्छे से सोचा है कि अच्छे से डेकोरेट, अच्छे से सजा वजा के अच्छे से करूँगी, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो वो लोग मायके गई हुई है, मायके से आएगी मुझे लगता है नहाए खाए से एक दिन पहले या फिर नहाए खाए के दिन, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ भी समय देना, बहुत दिनों बाद आई है तो थोड़ा सा वहाँ भी, वो भी उसकी फैमिली है, जैसे ये फैमिली है तो वो भी फैमिली है, तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कब आएगी नहीं आएगी, तो सोची कि थोड़ा देर वहाँ भी जा कर के आते हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि तुरंत आ गई, तुरंत चली गई, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, फिर आने वाली है छठ पूजा में। और अच्छे से सारा कुछ आप लोगों को ब्लॉग दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सारा डाउट जो भी है क्लियर ख़त्म हो गया होगा। और प्लीज़ आप लोग कुछ निगेटिविटी नहीं फैलाएं, मुझे लगता है 95% तो पॉजिटिव कमेंट रहते हैं, लेकिन कुछ एक दो कमेंट रहते हैं कि दिखावा ये वो, कोई दिखावा नहीं है। और भगवान की दया से बहुत अच्छी और बहुत समझदार फैमिली मिली है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ अच्छे आगे भी हो, प्यार रहा, सपोर्ट रहा। और दूसरी चीज़ें फैमिली में देखिए,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब जगह होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली समझदार है तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाता है, समझाने वाली फैमिली हो तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते ही आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने फैमिली को समझिए, प्यार से रहिए और दूसरे के फैमिली में निगेटिविटी ना फैलाइए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप लोग हमें प्यार पहले देते थे वैसे ही दीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे रेगुलर, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आए। छठ पूजा तक तो रेगुलर आएगा, आगे का पता नहीं, जैसे जो सिचुएशन होता है उस अकॉर्डिंग करूँगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय।